हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के मुकाबले में भारत बनाम पाकिस्तान के बीच में। और विराट कोहली इस मुकाबले में तैयार दोस्तों यहाँ पर, और 30 बॉल पर 86 रन दरकार। इस बार बेहतरीन शॉट का लैग इस्तेमाल, सामने फील्डर मौजूद सीधा हाथों में। विराट कोहली ने दोस्तों इस मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, विराट कोहली जिन्होंने पाकिस्तान पर बढ़िया आक्रमण बल्लेबाजी की। शादाब खान को लाया गया दोस्तों यहाँ पर, पहली बॉल के साथ आए थे, पहली बॉल अच्छी डाली, दूसरी बॉल एक और कलाई इस्तेमाल। इस बार हल्के हाथों से खेला यहाँ पर, टिप कवर पर एक रन के लिए खेला, एक रन के लिए भागे बहुत तेजी के साथ, और आसानी से यहाँ पर दो रन आते हुए। क्या पारी खेल रहे हैं बल्लेबाज दोनों ही, सूर्य कुमार यादव एंड विराट कोहली। विराट कोहली ने एक चौका जरूर मारा। यहाँ बल्लेबाजी दोस्तों यहाँ पर मुकाबले में 28 बॉल 84 रन। इस बार विराट कोहली जिल्द बिल्कुल तैयार है, यहाँ पर पैर पर बॉल उठाकर खेला यहाँ पर विराट कोहली ने, सामने सीधा फील्डर के हाथों में, और ये कैच। जी हाँ दोस्तों, बड़े बॉल की तरफ, बड़े शॉट की तरफ यहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन सीधा पकड़ा कैच, पकड़ी हुई बॉल और आउट होते हुए ये बल्लेबाज। कलाई का इस्तेमाल किया, बॉल को देखा और सामने बड़े शॉट की कोशिश की यहाँ पर, लेकिन सफल नहीं हो पाया दोस्तों। बाउंड्री पे पकड़ा एक आसान से कैच, विराट कोहली होते यहाँ पर इस मुकाबले में आउट। 22 बॉल पर 15 रन बनाकर आउट, इनकी भी बहुत ही पारी समाप्त। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये बल्लेबाज अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन अब इनको जाना पड़ेगा ग्राउंड के बाहर। अगले बल्लेबाज 27 बॉल 84 रन, बिल्कुल दोस्तों तैयार है पर सुमन गिल आए गए। यहाँ पर सुमन गिल एंड सूर्य कुमार को मुकाबला जिताना होगा। इस बात पर बहुत कला इस्तेमाल, बेहतरीन शॉट स्क्वायर लेग पर पीछे फील्डर, एक रन के लिए भागे और आसानी से यहाँ पर एक और रन कंप्लीट करते हुए बल्लेबाज। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की दरकार यहाँ पर मुकाबले में भारत टीम को दोस्तों, जो कि कोशिश तो करेगी यहाँ पर, क्योंकि यह मुकाबला तो बड़ा होता जा रहा है। बहुत ही अच्छा स्कोर दिया यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने, 26 बॉल 83 रन। इस बार अच्छा शॉट कर शॉट मारने की कोशिश, और ये गैप में सूर्य कुमार यादव द्वारा पॉइंट के लगे में खेला है पूरे 4 रन के लिए। क्या शॉट मारा शादाब खान की बॉल दोस्तों, ऑक्शन के बाहर भेजा है पूरे 4 रन के लिए। ये पारी लाजवाब पारी खेलते यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, क्या ही रूम बनाया और बॉल को आने दिया, कट मारा और गया वो गैप में पूरे 4 रन के लिए। ये बल्लेबाज दोस्तों इस मुकाबले में जम चुके हैं सूर्य कुमार यादव यहाँ पर। विराट कोहली का आउट होने के बाद दोस्तों ये बल्लेबाज अभी भी मौजूद हैं, विराट कोहली के साथ आए थे, इन्होंने 9 बॉल पर 14 रन बना दिए। इस बार अगली बॉल एक और कवर ट्राई, बिल्कुल दोस्तों क्या खेला इस बार, लेकिन फील्डर रोक लेंगे आसानी से, लेकिन 2 रन से कोई नहीं रोक सका। 2 रन के लिए भागे बहुत तेजी के साथ और 2 रन आसानी से कम्प्लीट यहाँ पर दोनों बल्लेबाज द्वारा। इसी के साथ ओवर समाप्त, स्ट्राइक रखेंगे शुभमन गिल अपने पास, और इमाद वसीम को लाया गया यहाँ पर फिर से स्पिनर के चौर पर दोस्तों। यहाँ पर स्पिनर अच्छी बॉल डाल रहे हैं स्पिनर इस मुकाबले में, 24 बॉल 77 रन। सुमन गिल, इमाद वसीम, इस बार सुमन गिल दोस्तों इस बार पैर पर बॉल उठाकर खेला, ये बहुत ऊंची गई है, ये सामने गई है, और ये बड़ा शॉट पूरे 6 रन के लिए यहाँ पर सुमन गिल के बल्ले से। क्या शॉट मारा यहाँ पर कलाइयों का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन बल्लेबाजी, कलाई का इस्तेमाल, टाइमिंग का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा ऑप्शन के बाहर थी और भेद यहाँ पर पूरे 6 रन के लिए। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, क्या पारी खेल रहे हैं बल्लेबाज दोस्तों इस मुकाबले में। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, इमाद वसीम, सुमन गिल, दोनों ही बल्लेबाज दोस्तों इमाद वसीम पर दबाव डाल रहे हैं यहाँ पर विराट सुमन गिल, और एक और हवा में शॉट है, बिल्कुल यहाँ पर अच्छा शॉट है, बेहतरीन शॉट मिड ऑन के ऊपर से बड़ा छक्का। क्या पारी खेल रहे हैं बल्लेबाज, बेहतरीन शॉट यहाँ पर दोस्तों, और ये बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 2 बॉल पर 2 छक्के, एक लॉन्ग ऑन पर एक स्ट्रेट छक्का शुभमन गिल के बल्ले दोस्तों। अभी अभी आए मुकाबले में, उन 3 बॉल पर दोस्तों शुभमन गिल 13 रन बनाकर खेल रहे, बहुत ही लाजवाब पारी। 22 बॉल 65 रन, भारत टीम बहुत ही बेहतरीन पारी खेलती हुई। इस बार अगली बॉल कट खेलने की कोशिश, और सीधा फील्डर खाते में पर रन की मांग, रन आउट का मौका, और बिल्कुल दोस्तों डायरेक्ट थ्रो, और ये विकेट 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 दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन विकेट। क्या कट शॉट मारने की कोशिश यहाँ पर सुमन गिल द्वारा, लेकिन क्या ही डायरेक्ट थ्रो आया, सीधा विकेट कीपर खाते में, और ये विकेट
जहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाए। और ये विकेट यहाँ पर दोस्तों मिल चुकी है, यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की दोस्तों 10 बॉल पर 16 रन बनाकर आउट हो चुके हैं बल्लेबाज, रन के लिए भागे बल्लेबाज, लेकिन अच्छी पारी खेल रहे थे यहाँ पर दोस्तों मुकाबले में, रन के लिए भागे लेकिन हाना में टाइम वेस्ट किया और विकेट दे गई है बल्लेबाज रविंद्र जडेजा दोस्तों इस मुकाबले में आए यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। इमाद वसीम दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग जरूर कर रहे हैं, यहाँ पर बार बॉल कला इस्तेमाल बेहतरीन शॉट यहाँ पर एक रन के लिए खेला है, बहुत अच्छा शॉट रविंद्र जडेजा ने पहली बॉल को भेज दिया पर गैप में एक रन के लिए, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज यहाँ पर दोस्तों रविंद्र जडेजा द्वारा। रविंद्र जडेजा यहाँ पर जानते दोस्तों बल्लेबाजी करना, 64 रन 20 बॉल। जी हाँ दोस्तों इस बार अगली बॉल पहले पर बॉल, बहुत अच्छा शॉट, क्या शॉट मारा यहाँ पर, बिल्कुल फुल टॉस डाली और इस बॉल को सीधा खेला मिड ऑन के हाथों में, लेकिन दोस्तों शॉट अच्छा खेलना चाहते हैं यहाँ पर सुमन गिल, क्योंकि दबाव है थोड़ी सी बात टीम की 19 बॉल पर 64 रन हालांकि मुश्किल है। अगली बॉल एक और हवाई यात्रा पर तीसरा महान छक्का, क्या शॉट मार दोस्तों पर सुमन गिल ने, इस ओवर का तीसरा छक्का सुमन गिल के बल्ले से, क्या पारी खेली अंदर की तरफ आई और ये उठा कर खेला यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शॉट पूरे 6 रन के लिए। जी हाँ दोस्तों बहुत ही लाजवाब पारी इस मुकाबले में, दोस्तों दबाइए बटन दबाइए कि भारत टीम कर रही है इस मुकाबले में बल्लेबाजी, 18 बॉल 58 रन रविंद्र जडेजा, ओ बेहतरीन शॉट पीटर खातों में रविंद्र जडेजा भागे और बचे, क्या बॉल को पकड़ा है क्योंकि मिड विकेट का फिल्टर अंदर है, बीट करने कोशिश और अगर हो जाते बीट तो तुरंत वहां पर गैप में शॉट था 4 रन के लिए, बहुत तेज शॉट था और रुकता ही नहीं किसी से, पॉइंट खाली है, मिड ऑन खाली है, मिड ऑफ पर फील्डर है और मिड ऑन भी खाली है, और सुमन गिल पहली बॉल सीधा हाथों में खेला है पर बहुत ही बेहतरीन शॉट हाथों में कैच ड्रॉप, क्योंकि मुश्किल होता है रन लेना दोस्तों यहाँ पर और ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर दोस्तों क्या बात है। बिल्कुल दोस्तों बड़े शॉट तरफ गए सीधा दोस्तों यहाँ पर मिड ऑफ का फील्डर वहां पर कवर किया और मिड ऑन पर पहुंच कर कैच की कोशिश की लेकिन ड्रॉप होता हुआ, हालांकि कैच कोशिश अच्छी यहाँ पर बल्लेबाज ने 16 बॉल 56 रन। जी हाँ दोस्तों 16 बॉल पर 56 रविंद्र जडेजा, इस बार अगली बॉल बेहतरीन शॉट है, ओ ये तेज है पीछे फील्डर जरूर है लेकिन नहीं रोक पाएंगे दोस्तों, क्या रोका है शॉट और बिल्कुल यहाँ पर एक और रन कंप्लीट करते हैं शुभमन गिल, 2 रन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी रविंद्र जडेजा दोस्तों सामने मारा लेकिन फील्डर वहां पर तैनात, 3 बॉल 15 बॉल 54 रन रविंद्र जडेजा, शादाब खान इस बार अगली बॉल बिल्कुल यहाँ पर उठाकर खिलाए फ्लैट 1 बाउंस 4 रन, क्या शॉट मारा यहाँ पर दोस्तों डीप स्क्वायर लेग पर बेहतरीन टाइमिंग, क्या बात है रविंद्र जडेजा दोस्तों जम चुके हैं बॉक्स के बाहर कलाइक इस्तेमाल और बेहतरीन शॉट पूरे 4 रन के लिए, दोस्तों क्या पारी खेल रहे हैं यहाँ पर ये बल्लेबाज, ये दबाव में नहीं थी यहाँ पर दोस्तों इस मुकाबले में कुछ देर के लिए लेकिन इसके बाद लाजवाब पारी, 14 बॉल 50 रन रविंद्र जडेजा, अगली बॉल पैरों पर उठाया जरूर है इसमें टाइमिंग अच्छी रही है स्विंग हुई है और ये सीधा फील्डर खातों में कैच पकड़ा गया। जी हाँ दोस्तों क्या सामने मारने की कोशिश यहाँ पर लेकिन इस बार फाइनली पाकिस्तान को विकेट, बहुत ऊंची बॉल थी बहुत ही ज्यादा ऊंची गई लेकिन दोस्तों सीदा फील्डर का हाथ में और ये पकड़ा एक और कैच एक और विकेट यहां पर दोस्तों भारत ने विकेट थी पाकिस्तान के पक्ष में एक और विकेट, 5 बॉल पर 8 बनाकर आउट रिंकू सिंह आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों, ये फिनिशर है फिनिशर पे तौर पे लाया गया यहाँ पर रिंकू सिंह को, 13 बॉल 50 रन रिंकू सिंह, पहली बॉल इस बार पैर पर ओ पूरी ताकत लगा के शॉट खेला है इसमें पावर है सामने ऊंचा बहुत है नीचे फील्डर छक्का, क्या शॉट मारा पहली बॉल पर रिंकू सिंह के बल्ले से सामने छक्का,
बड़ा ग्राउंड है। इस बार की बॉल एक और हवा में शॉट, सुमन विकेट बल्ले से मिड विकेट के लगे वन बाउंस 4 रन, बहुत बेहतरीन शॉट कराए कि इस्तेमाल किया, ओ बहुत अच्छी पारी ये भारतीय टीम की। दोस्तों सुमन गिल ने क्या ही शॉट मारा और भेज दिया पूरे 4 रन के लिए। 11 बॉल 40 रन सुमन गिल दोस्तों पारी अच्छी खेल रहे, ओ इस बार टाइमिंग अच्छी नहीं कर पाए, लेकिन मिड ऑफ का कोई फील्डर मौजूद नहीं तो ये वन बाउंस मिड ऑफ का पहुंच चुका है वहां पर। लेकिन दोस्तों यहां पर रन के लिए माना गया, 2 रन लेने यहां से मुश्किल काम है और बिल्कुल दोस्तों सही फैसला, वरना आउट हो जाते बल्लेबाज। रन के लिए भागते तो रन के लिए नहीं भागे, यहां पर रुक जा। हेलो जी हाँ दोस्तों, क्या बॉलर है, क्या कैच ड्रॉप हुआ है, यही तो दोस्तों ये बॉलिंग अच्छी हो रही है, मुश्किल हो रहा है। भारतीय टीम बड़े शॉट तरफ जा रही है लेकिन नहीं मार पा रही है। क्या बॉलिंग है दोस्तों, बड़ा मंच है शुभमन गिल। इस बार अगली बॉल एक और हवा में फ्लैट है, इस बार तो बल्ले पाइए, इस बार छक्का है मिड ऑन के ऊपर से, इस बार क्या शॉट मारा पर मिड ऑफ के ऊपर से, बेहतरीन शॉट यहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल द्वारा। बॉल बहुत ज्यादा उठेंगे बाहर की ओर बढ़ रहे हैं पर सुमन गिल ने भेज दिया मिड ऑन के ऊपर, मिड ऑफ के ऊपर से बड़ा छक्का, बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, पिछली बॉल पर कैच छूटा इनका लेकिन उसके अगली बॉल पर क्या ही शॉट मारा यहाँ पर सुमन गिल ने। 8 बॉल 32 रन, इस बार अगली बॉल एक और कोशिश तो है मिड विकेट की लगे नीचे फील्डर और ये भी छक्का, क्या शॉट मारा ऑफ स्टंप के बाहर, बड़ा छक्का, बहुत ही बेहतरीन बॉल दोस्तों कलाय के इस्तेमाल किया यहाँ पर सुमन गिल, बहुत ऊंचा गया लेकिन मिड विकेट के इलाके में तकदील किया पूरे 6 रन के लिए दोस्तों यहाँ पर, बहुत बेहतरीन पारी सुमन गिल के बल्ले दोस्तों इस मुकाबले में। भारतीय टीम को जीतने के लिए 7 बॉल पर 26 रन की दरकार है, 2 लगातार छक्के शुभमन गिल के बल्ले से, अगली बॉल स्टंप आउट के लिए यहां पर 1 रन के लिए खेला है शॉट, भागते बल्लेबाज और आसानी से यहां पर दोस्तों ये रन कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ ओवर समाप्त। स्ट्राइक रखेंगे शुभमन गिल अपने पास और अब चाहिए इनको 1 ओवर में 25 रन, मोहम्मद आमिर का ओवर रहेगा और इसमें मुश्किल तो लग रहा है मुकाबले की भारतीय टीम जीत वाली, 1 ओवर में 26 25 मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर के सामने मुश्किल है दोस्तों, मुश्किल है। इस बार की बॉल यॉर्कर के साथ आए और पहली बॉल छक्के के लिए भेजी सुमन गिल ने, यॉर्कर की आई फुल टॉस डाल यहाँ पर लेकिन सुमन गिल के बल्ले से बड़ा छक्का मोहम्मद आमिर की पहली बॉल पर ही, यॉर्कर की कोशिश लेकिन पॉइंट पर पॉइंट के लगे खेला है, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से खेला है यहाँ पर, बड़ा छक्का बेहतरीन टाइमिंग सुमन गिल के बल्ले दोस्तों, यही तो जीत है, यही तो चाहिए भारतीय टीम को। 5 बॉल 19 रन, बहुत करीब दोस्तों इस मुकाबले के भारतीय टीम। इस बार की बॉल छोटी बॉल एक और पॉइंट के लगे में एक और छक्का रवि बिश्नोई, 2 बॉल पर 2 छक्के, छोटी बॉल डाली यहां पर जरूर तो सुमन गिल के 14 बॉल पर पूरे 50 रन कंप्लीट, लौटे बल्लेबाज लड़े यहां पर बिल्कुल दोस्तों शुभमन गिल बेहतरीन पारी, मोहम्मद आमिर के ऊपर 2 बॉल पर 2 छक्के, 4 बॉल 13 रन। इस बार की बॉल एक और वहां में शॉट, एक और बेहतरीन शॉट पीते फील्डर लेकिन एक और छक्का, ये भी 6 रन, 3 लगातार 6 पे 6। ये भारतीय टीम दोस्तों इस मुकाबले में अद्भुत कर रही है, बेहतरीन कर रही है, कोशिश कर रही है, बड़ा प्रयास कर रही है और क्या छक्के मार रही है, बेहतरीन शॉट यहाँ पर दोस्तों सुमन गिल के बल्ले से और ये लाजवाब टाइमिंग दोस्तों, इस मुकाबले में पारी बेहतरीन खेल रही है यहाँ पर भारतीय टीम। सुमन गिल 15 बॉल पर 56 रन बनाकर खेल रहे हैं, 3 बॉल 7 रन, ओ गई क्या यॉर्कर डाली मोहम्मद आमिर ने दोस्तों, क्या यॉर्कर डाली और बेहतरीन यॉर्कर, बेहतरीन विकेट यहाँ पर, क्या विकेट मिली दोस्तों यॉर्कर, देखिए सुमन गिल आउट होते इस मुकाबले में, रवि बिश्नोई जी आ तो रवि बिश्नोई आ चुके यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए, रवि बिश्नोई रिंकू सिंह, इस बार रवि बिश्नोई 2 बॉल बाकी 2 बॉल, इस बार अगली बॉल रवि बिश्नोई के लिए शॉट अच्छा दोस्तों यहाँ पर 1 रन के लिए खेला है बहुत तेज साथ, रिंकू सिंह स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं, 1 बॉल पर 6 रन की दरकार है यहाँ पर भारतीय टीम को।
एक बॉल छह रन तैयार यहाँ पर बल्लेबाज रिंकू सिंह, मोहम्मद आमिर की बॉल, एक बॉल छह, क्या बना पाएंगे रिंकू सिंह, देखने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पर रिंकू सिंह यहाँ पर ओ बड़ा शॉट तरफ गए, बेहतरीन शॉट यहाँ पर मिड ऑन के ऊपर से रिंकू सिंह के बल्ले से बड़ा छक्का, क्या शॉट मारा यहाँ पर मोहम्मद आमिर के ऊपर दोस्तों। एक बॉल पर छह रन की दरकार थी और रिंकू सिंह ने छक्का मारकर ये मुकाबला जिता दिया है। क्या पारी खेली इन्होंने, बेहतरीन और ऊंचा छक्का, क्या पारी खेल रहे हैं बल्लेबाज। तो दोस्तों जरूर से बटन दबा दीजिए, कीजिए सब्सक्राइब और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चार विकेट से मुकाबला, भारतीय टीम ने जीत हासिल करी, बहुत बड़ी जीत यहां पर खिलाड़ी द्वारा। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि इस मुकाबले में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।